मैं हूं विश और आप देख रहे हैं लर्न बेसिक्स। तो ये किसी ने बड़ा ही दिलचस्प सवाल पूछा है कि विंडो अपडेट्स जो होते हैं उनको इनेबल करना चाहिए या डिसेबल करना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में ये ऑटोमेटिक इनेबल होता है। ठीक है, जैसे ही आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम या अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, जैसे ही आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है, जो अपडेट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना शुरू हो जाते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो आप सवाल ये है कि इसको डिसेबल रखें या इनेबल करने का भी ऑप्शन इसमें होता है। ठीक है, तो इनेबल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आज का ये वीडियो बेसिकली इन्हीं के बारे में। तो अगर आप कभी यही सवाल है तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें। आपको मेरे चैनल पे हिंदी और इंग्लिश दोनों पे वीडियो मिल जाएंगे। अगर सेम वीडियो आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इसके बाद मैं वो भी रिकॉर्ड करूंगा, आप वो वीडियो इंग्लिश में देख सकते हैं। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कुछ नया सीखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जानते हैं कि विंडो अपडेट्स को इनेबल रखना चाहिए या डिसेबल रखना चाहिए, या इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों भाई हम मतलब इनेबल रखें, क्यों अपना डाटा उसमें खर्च करें। ठीक है, तो तीन मेजर रीजन है। पहले तो इसका जवाब यह है कि 100% इनेबल रखिए। अगर आपके पास एक जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ऐसा भूल करके भी मत करिएगा कि आप इसको डिसेबल रखिए। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। ठीक है, 100% इसको ऑन रखिए। क्यों? तीन मेन रीजन है इसके। ठीक है, पहला रीजन सिक्योरिटी थ्रेट। ठीक है, दूसरा रीजन बग्स एंड इश्यूज जो होते हैं उसको कलेक्ट करना। तीसरा रीजन होता है जो मतलब काफी इंपॉर्टेंट है कि समय समय पर विंडोज कई सारे नए फीचर्स लॉन्च करता रहता है, उसके लिए भी अपडेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब तीनों को वन बाय वन समझ लेते हैं। तो आइए चलते हैं पहले रीजन पे, सिक्योरिटी थ्रेट्स। देखिए, कोई भी सिस्टम इस दुनिया में 100% फुल प्रूफ नहीं है। आपने समय समय पर न्यूज सुनी होगी कि बहुत सिक्योर सिस्टम भी जो होते हैं वो हैक हो जाते हैं। ठीक है, मतलब हैकर्स होते हैं उसमें भी रास्ता ढूंढ लेते हैं उसको ब्रेक करने का। ठीक है, तो विंडोज क्या करता है, मैंने एक वेबसाइट में पढ़ा, मैंने ज्यादातर रिसर्च इसी वेबसाइट से करी। ठीक है, जो मैं आपके सामने आंसर्स लेके आया हूँ, ये तीन मेजर रीजंस उसमें स्टेट किए गए थे। तो सबसे पहला रीजन जो उसमें दिया गया, मोस्ट ऑफ देम इंक्लूड सिक्योरिटी अपडेट, सिक्योरिटी इश्यूज आर द वर्स्ट पॉसिबल एरर एज दे मे बी एक्सप्लॉइटेड बाय मालवेयर और हैकर्स। ठीक है, these types of situations are regularly identified in various parts of Windows. Windows क्या करता है, वो समय समय पर ऐसी जो भी vulnerable मतलब issues होते हैं उनको identify करता रहता है, उनको ठीक करता रहता है अपने updates के जरिए। तो अगर आपने updates enable नहीं किया है, ठीक है, तो वो अपडेट नहीं हो पाएगा और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक वल्नरेबल मोड में आ सकता है, जो कि आसान होता है किसी हैकर्स को, हैकर्स के लिए क्रैक करना। ठीक है, तो इसलिए हमेशा विंडो अपडेट्स को ऑन रखिए, ऑफ कभी मत करिए, यानी कि इनेबल रखिए, कभी भी डिसेबल मत करिए। ठीक है, ये था पहला रीजन। ठीक है, अब आइए चलते हैं दूसरे रीजन पे, बग्स एंड इश्यूज। ठीक है, इसके बारे में क्या लिखा है, अदर अपडेट्स एड्रेस अदर बग्स एंड इश्यूज इन विंडोज Even though they are not responsible for security vulnerabilities, ये security vulnerabilities के लिए नहीं responsible होते हैं। ठीक है, लेकिन they impact the stability of your operating system, यानी कि operating system की stability के लिए responsible होते हैं। मैं एक example लेता हूँ आपके घर का। मान लीजिए आपने एक नया घर बनवाया, ठीक है, तो आपने सोचा कि भाई बेडरूम इतने स्क्वायर फीट का, इतने स्क्वायर फीट का होगा, ड्राइंग रूम हम ऐसा रखेंगे, यहाँ पर हम डाइनिंग टेबल रखेंगे, यहाँ पर किचन होगा, यहाँ पर विंडोज होंगी, यहाँ पर दरवाजे होंगे। ठीक है, तो आपने पूरा एक मैप बनवाया और अच्छे से अपना घर प्रिपेयर करवाया, लेकिन जब घर प्रिपेयर हुआ तो आपको लगा यार थोड़ा सा बेडरूम इधर होता, या खिड़कियां थोड़ी सी इधर होती, या यहाँ पर हमने पर्दे लगवाए होते, या यहाँ पे हमने एक रैक दिया होता। तो आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अपने रैक की पोजीशन आपको वहां पे ज्यादा अच्छी लग रही, तो आपने वहां पे थोड़ी कांट छांट करवाई, तोड़फोड़ करवाई और एक रैक ऐड करवा दिया, या यहाँ पर टाइल्स होती तो आपने वहां पे टाइल्स लगवा दी। ठीक है, तो इस तरीके से आप हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट करते हैं अपने घर में, अपने घर को और बेहतर बनाने के लिए। वही काम सेम विंडो में किया जाता है। देखिए, मैं बहुत टेक्निकली समझाऊंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा समझने में, इसलिए मैंने एक घर का एग्जांपल लिया जो बहुत ही आसान है समझने में। ठीक है, तो आप अपने घर को परफेक्ट बनाने के लिए जैसे जो जो भी मतलब अपडेट करते रहते हैं, कुछ वैसा ही अपडेट विंडोज भी करता है, मतलब बग्स और इश्यूज को आइडेंटिफाई करता रहता है और लगातार अपडेट्स भेजता रहता है, ताकि वो चीजें हमेशा बेहतर काम कर सके, यानी ऑपरेटिंग मोड आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा आपके आपका जो है वो बेहतर काम कर सके। ठीक है, अब आइए चलते हैं लास्ट फीचर में। ये तो बड़ा आसान है समझना, मतलब इसमें मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है कि विंडो जो अपडेट्स होता है कई सारे नए फीचर्स लॉन्च करता है, मतलब भेजता रहता है मतलब अपडेट्स के जरिए। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, मोस्ट कंप्यूटर्स हैव विंडो अपडेट्स सेट अप टू इंस्टॉल, लास्ट बट नॉट लीस्ट, विंडो अपडेट समटाइम्स कम विद न्यू फीचर वाइल पैचिंग सम नोन इश्यूज। ठीक है, मतलब जो नोन इश्यूज होते हैं उनको कंट्रोल करता है और नए फीचर्स को भेजता रहता है। ठीक है, जिससे नए फीचर्स उसमें मतलब ऐड होते रहते हैं और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और बेहतर मोड पे काम करता रहता है। ठीक है, तो देखिए ये सारा कुछ बनाया गया है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। दूसरी बात, अगर आप पायरेटेड वर्जन यूज करते हैं तो मेरी अपनी रिकमेंडेशन है कि उसको मत यूज करिए,
एक जो ये जो पेड वर्जन होता है विंडो का, मतलब उसको खरीदिए, पायरेटेड वर्जन मत यूज करिए, पेड वर्जन हमेशा बेहतर होता है, वो आपके सिस्टम को सिक्योर रखता है, ठीक है, मतलब बहुत सारे अटैक से बचाता है, सिक्योरिटी थ्रेट से बचाता है, नए नए बग कंट्रोल करता, मतलब बग्स को कंट्रोल करता है और नए नए फीचर्स लॉन्च करता है, तो हमेशा जो पेड वर्जन है विंडोज का वो बहुत ही बेहतर होता है। तो दोस्तों कोई भी टेक्नोलॉजी फुल प्रूफ नहीं होती है, हम सब चीजों में अपडेशन की जरूरत होती है, तो इसलिए विंडो अपडेट्स को इनेबल रखिए। और आप तो डेटा का भी देखिए इशू नहीं है, पहले लोग कहते थे ना कि भाई डेटा खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, अब तो डेटा का भी इशू नहीं, अच्छा खासा डेटा सबके पास है, तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेट रख सकते हैं, ठीक है, तो इनेबल ऑन इनेबल करके रखिए, अपना विंडो अपडेट्स ऑन रखिए हमेशा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, या आपका भी कोई ऐसा सवाल हो जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, कंप्यूटर से रिलेटेड हो या यूट्यूब से रिलेटेड हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, अगर मुझे उसका आंसर पता होगा तो मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपका कोई दोस्त भी ये वीडियो देखना चाहता हो तो उसको शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।